कैसे कहती बाटिया कैसे बाटूंगी इसको। चाची का हेल्थ टाइम ना की मम्मी को छप बधाई दे। शुरू गिरी गिर गई। हैप्पी बर्थडे। हेलो गुड मॉर्निंग सारे भाइयों को। और सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मैं उठ गया हूँ अपना स्विमिंग जाने के लिए। मैं जा रहा हूँ स्विमिंग और ये सोए हुए हैं भी आराम से, कोई बात नहीं थोड़ी देर सुन देते हैं। और मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने। सो गाइस आज कोई भी दोस्त नहीं आया, आज स्विमिंग पूल आप देख सकते हो और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा हो रखा है। पानी बहुत ही गर्म है और मौसम ठंडा। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, आज व्लॉग की स्टार्टिंग जोशी जी ने की, कैसी लगी आप सभी को? स्विमिंग करने के लिए गए हुए हैं फिलहाल वो, मैं उठ चुकी हूँ। करते हैं दिन की शुरुआत घर की साफ सफाई के साथ। फिलहाल घर में सभी उठ चुके हैं, शाम को छोड़ के वो सो रहा है मजे से घोड़े बेचकर। बाहर का मौसम बहुत मस्त हो रहा है, काले काले बादल छा रखे हैं, ऐसे लग रहा है कि जबरदस्त बारिश पड़ने वाली है आज। देखते हैं बाकी क्या होने वाला है। जोशी जी शायद भीग के ही आएंगे आज घर। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है, यहाँ पर पूरी गली में पानी भरना हो चुका है शुरू। जोशी जी भीग कर ही घर वापस आए थे, आकर नहाकर जो जलाकर पूजा पाठ कर लिया है इन्होंने। भूख लग गई बोल रहे हैं, यही होता ना जल्दी उड़ जाता तो भूख भी जल्दी लग जाती है। कल हमने तो रोटी खाई थी आलू की सब्जी के साथ, मम्मा ने फिर बाद में अपने लिए देवर जी के लिए चावल बनाए होंगे थोड़े से, तो चावल बचे हुए थोड़े से। कह रहे मैं तो अभी यही खा रहा हूँ, भूख लग रही है। तो जोशी जी कैसी रही स्विमिंग आपकी? बहुत बढ़िया। बारिश हो गई थी? हाँ बारिश हो गई थी स्टार्ट। एकदम से मौसम काला काला, बादल काले काले। चलो ठीक है, थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन दिक्कत यहाँ पे यही है कि बारिश होती है तो लाइट चली जाती है। अंदर तो इतनी हुम्मस गर्मी हो रही है, बाहर का मौसम मस्त हो रहा है, अंदर तो वही हाल है बुरा। फिलहाल मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। टन टन, नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। जोशी जी फिलहाल सो रहे हैं अंदर और मम्मा गए शाम को उसके घर छोड़ने के लिए। बाहर हल्की हल्की सी बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, बाहर का मौसम बहुत मस्त हो रहा है, अंदर तो गर्मी 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 ऐसा ही हो रहा है। अभी दरवाजे के पास यहाँ पे बैठी हूँ तो हवा आ रही है हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी ना, अच्छा लग रहा है। ईशान को उसके घर छोड़ के मम्मा भी घर वापस आ चुके हैं और जोशी जी तो सो रहे हैं। अभी उठा के इनको मैंने पूछा मैगी खाओगे तो मना करने लगे, कह रहे मैं सो रहा हूँ। जब होता है ना कि नींद या खाने में से किसी एक को चुनना हो, गहरी नींद है तो इंसान यही बोलता है मुझे सोने दो। तो जोशी जी भी वही बोल रहे, मुझे सोने दो, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं कहा चलो आप सो आराम करो। और यहाँ पे अभी हम दोनों सास बहू अपने लिए बनाने वाले हैं मैगी, कढ़ाई में पानी गर्म हो रहा है, प्लेन मैगी बनाऊंगी। सासू माँ के कहे अनुसार यहाँ पे 3 पैकेट मैगी तोड़ के मैंने कर ली है तैयार प्लेन वाली। मैं ना चीज़ बना लेती हूँ लेकिन जब बात आती है ना बांटने की तो मुझसे बांटी नहीं जाती। मैं हमेशा मम्मी को बोलती हूँ बना मैं दूंगी, लेकिन जो बांटने का काम है ना वो आप कर दिया करो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरफ भले ही कम आ जाए लेकिन सामने वाले को कम नहीं होना चाहिए, कि मन में ऐसा ना आए कि उसने ज़्यादा ले लिया मुझे कम दे दिया, भले ही सामने वाला ना सोचे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा होता है कि यार मैं नहीं बांटूंगी, मेरे से नहीं बटेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा बराबर का हिस्सा। तो मैं काम हमेशा मम्मी को बोलती हूँ, तो बस बन गई है, मम्मी को बोलते हैं मम्मी बांटेंगी। मैगी का यहाँ पे अभी होने लगा है बंटवारू, जो की करेंगी मम्मी जी। यार मेरे से कहती बांटिया कैसे बांटूंगी इसको, सही से ही कैसे बांटा जाता है मुझे भी सिखा दो मम्मी, मेरे को बांटना ही नहीं आता। बाहर कितनी भी बारिश हो जाए लेकिन घर के अंदर रसोई में तो भाई साहब गर्मी ही रहती है 24 घंटे। गर्मा गर्म मैगी खाएंगे अभी हम। धूप आने लगी होंगी वैसे ना, अभी आई तो नहीं लग रहा है कि धूप आएगी। मैं थारे पांव की जूती ना हद के जी करे पैर भी उदा, और थारा पैसा थारी दौलत थारी गाड़ी नाम थारा बंगला थारा सारा। जोशी जी अंदर सो रहे हैं, मम्मा फोन पे बता रही हैं, मैं अंदर अकेली बोर हो रही थी, निकल आई हूँ बाहर गली में। कर रही है ऐसे नहीं बोलते गंदी बात। और यहाँ पे मेरा पेस्ट बनाया जा रहा है। इतने बड़े अब तो कटवा दी थी तो मैंने नहीं है। आपने काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरी डांसिंग डॉल का नाम क्या है, इसका नाम है कृतिका। क्या नाम है बाबू आपका? कृतिका। कृतिका हमारा
शर्म नहीं होता कि सबर नहीं होता, हमसे शर्म नहीं होता। ये कुछ करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कुछ क्या है वो समझ में नहीं आ रहा फिलहाल। बालों का घनचक्कर बना दिया गया है। चाची आपके बाल कभी सूखने वाले नहीं है, सूखने वाले सुलगने वाले, सुलगने वाले। सब पागल हो गया, सतले मतले आ गई। लवी चाची तीनों के तीन लगे पड़े, पांच और लग जाओ मेरे सिर में। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो भैया। अभी नहीं सो गया, अभी बहुत सारे तो आ जाते हैं। ये हेयर स्टाइल बनाया मेरे बच्चों ने मेरा, पीछे से पोनीटेल ऊंची वाली करने की कोशिश थी लेकिन रबर ढीली मिली इनको तो थोड़ी सी ढीली हो गई है, और ऐसे आगे से जुल्फे निकाली गई है। कब से मोड़ने में लगे हुए हैं बालों को, आगे से करली 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 करने में लगे हुए हैं। कबूतर यहाँ पे हमारे साइड वाली गली में मर गया क्योंकि तार गीला हो रहा था, बारिश हुई थी और इसलिए तार गीला हुआ था तो वो उस पर बैठा और वो मर गया। अच्छा कहाँ पे? वही देखने गए थे तुम लोग अभी? अच्छा चलो, भगवान उस कबूतर की आत्मा को शांति दे, आगे अच्छा जन्म मिले। चाचा पार्टी ने बताया अभी मुझे कि हमारी गाड़ी डूब चुकी है, टायर दिखी नहीं रहे। दोपहर के भी बज रहे हैं एक, जोशी जी सोकर उठ चुके हैं। जोशी जी आज ऑफ है आपका? हाँ अभी थोड़ा देखने जाऊंगा। अच्छा तो अभी ये उठ चुके हैं, ये उठे हैं तो बाहर मम्मा सो गए हैं। पता नहीं दोनों माँ बेटे ने ड्यूटी पकड़ रखी है कि एक जना तो सोना जरूरी है घर में। पहले ईशान सो रहा था, ईशान उठा, जोशी जी सो गए, जोशी जी उठे, मम्मा सो गए। तो बारी बारी से उन्होंने ड्यूटी लगा रखी है सोने की। तो जोशी जी भी बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने मैगी खाई, मेरी मैगी कहाँ है? उन्होंने कोई बात नहीं, आपके लिए बना देते हैं मैगी। पहले दो तीन पैकेट, दो तीन मैगी पहले बना रही थी, जो बची थी उसमें से तीन अभी बन चुकी है, मम्मा मैंने खा ली, अब दो बची है मैगी, वो जोशी जी के लिए बना देते हैं। खा देते जी, आज का दिन ही मैगी मैगी हो गया। एक बार फिर से कढ़ाई में पानी उबल रहा है, मसाले डाल दिए हैं, मैगी को तोड़ लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अभी जोशी जी कह रहे हैं कि मैगी के साथ गर्मा गर्म फुलके भी तैयार कर दो, इनका अलग ही टेस्ट है। आम के साथ रोटी, मैगी के साथ रोटी, सिंपल पराठे, अचार, मैगी, क्या कहना चाहेंगे आप इस भोजन के बारे में? बहुत बढ़िया। बाय 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 बाय। दोपहर के दो बज रहे हैं अभी, और जोशी जी को थोड़ी देर पहले कॉल आया था इनके ऑफिस से, इनके पार्टनर का, कि एक अर्जेंट मीटिंग है। भैया घर के दो मोड़ आ गई खड़े थे, इनका वेट कर रहे थे अपनी कार में, तो जोशी जी भी घर से पैदल गए हैं, उनके साथ जाएंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए। और प्रिया दी का जोशी जी के सामने मुझे कॉल आ रहा था, लवी की मम्मी का, कि आ जा कोई स्पेशल गेस्ट तेरा वेट कर रहे हैं। अभी दोबारा फिर कॉल आया दीदी का, तो अभी जा रही हूँ मैं प्रिया दीदी के घर, देखते हैं कौन है स्पेशल गेस्ट, कौन आए हुए हैं घर पे। चलिए आप भी मेरे साथ। ये देखिए यूट्यूब फैमिली, लवी की मम्मी के छोटा छा बाबू हुआ है। लवी की मम्मी को छब बधाई दे दो, गोलू मोलू घर में आया है। हुई? हुई? हाय 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 हाय। ये है हमारे आदित्य जी, आदू सर हैं ये, आदू सर, ये है आदू सर, है ना बाबू, है ना बाबू, मेरे बाबू है ये, छोड़ ना तो कुछ। ओए गाने सुना रहा है भाई ये तो। लवी आपका भैया आया, बधाई हो आपको। सब सच में मान भी लेंगे लवी की मम्मी का ये बच्चा। बाहर के लिए कह रहे हैं ये। बाल की मम्मी चले जाएंगे बाबू, बाल चल कहते हैं। चलो बाबू को तो लवी संभाल लेगी भाई, अब लवी की मम्मी की छुट्टी, लवी की मम्मी बेफिकर है ना लवी की मम्मी। ओ लवी की मम्मी का सोने का कड़ा, सोने की अंगूठियां, ये बाबू ने भी मिली है इनको। लवी की मम्मी खुश, बहुत खुश।
बाबू की असली मम्मी तो ये रही, लवी की बुआ। ये बाबू गोलू मोलू शाह बिल्कुल अपनी मम्मी पे नहीं गया है, मम्मी तो पतली पतली सी है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने तो पहचान ही लिया होगा, जो कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हैं जिनको नहीं पता उनको भी बताने लगी हूँ मैं कि लवी की जो छोटी बुआ है उनके यहाँ पे बेबी बॉय ने जन्म लिया है, अभी 4 महीने का हो चुका है बाबू। तो भूरो लेकर अपने यहाँ पे मायके पे अपनी भाभी के घर पे आई है बाबू को, तो हम लोग उसके साथ खेल रहे हैं। कब से टाइम का पता ही नहीं लगता ना बच्चों के साथ, टाइम कहाँ गुजर जाता है करके। मायके में जब रिद्धि के साथ थी ना मैं, तब वहाँ भी टाइम का पता नहीं लग रहा था कब सुबह से शाम हो रही है ऐसी, कब दोपहर से यहाँ शाम हो गई पता ही नहीं लगा टाइम का। बाबू के साथ खेलते खेलते इतना टाइम हो गया, जस्ट अभी मैं घर में आई हूँ। तो चलिए अभी फटाफट से पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर रात के खाने की तैयारी करेंगे। हुआ न ऐसा और ना होगा दुनिया में अवतार, हे विष्णु भगवान आप हैं जग के तारनहार। हरि 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 बोलो हरि हरि। ईशान महाराज जी नहा कर आ चुके हैं, फोन देखा जा रहा है यहाँ पर। सब्जी लेने के लिए मैं और शीलू जा रहे हैं। आरती की शादी से पहले आपने ब्लॉग्स में देखा ही है कि हम सब लोग पूरी गली वाले इकट्ठे होकर जाते थे सब्जी लेने के लिए। अभी धीरे धीरे कुछ ऐसा हो गया कि कुछ लोग पहले चले जाते हैं सब्जी लेने, कुछ लोग लेट जाते हैं सब्जी लेने के लिए। इस समय पे जाने वाले सिर्फ शीलू और मैं ही बचते हैं, तो सिर्फ हम दोनों ही हैं जो जाके एक साथ सब्जी ले आते हैं। नंद भाभी और पहले मम्मा भी साथ में जाया करते थे, लेकिन अब मम्मा मना करते हैं ईशान के चक्कर में। ईशान घर पे रहता है तो उसके साथ खेलने वेलने में लगे रहते हैं वो, ईशान मानता भी नहीं है, जिद्दी बहुत है। आपने देखा ही है व्लॉग में, दादी तो चाहिए ही चाहिए उसको, घर में कोई हो चाहे ना हो दादी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी चल रहे हैं सब्जी लेने के लिए। दाल और आलू की भुजिया चावल तैयार हो चुके हैं, जोशी जी कहेंगे तो आटा तो गूंदा ही हुआ है, गर्म गर्म फूल के घर वापस आकर फिर तैयार कर लूँगी। तो चलिए सब्जी लेकर आते हैं। अभी थोड़ी देरी बारिश आई थी सुबह, उसने यह हाल कर दिया यहाँ का। शीलू गिरी, गिर गई, गिर गई। भाई साहब बड़ा डेंजर रास्ता हो रहा है ये तो, संभल संभल के जाना पड़ेगा हमको, सब्जी तो लानी ही है। आ रही हूँ मैं पीछे पीछे ही हूँ तेरे, तू चल मैं आई। जिस एरिया में सब्जी मंडी लगती है आज उस एरिया का ये हाल है, अगर बगल में लगी हुई है सभी रेडियां, सभी सब्जी महंगी महंगी भी है, लेने लायक तो कुछ नहीं पर लेनी तो पड़ेगी। सब्जी मंडी से सब्जी लेकर जब हम घर वापस आए रहे थे, इतने में जोशी जी की कॉल आ गई कि मैं घर आ चुका हूँ, मैंने नहा लिया, बताओ आऊँ लेने के लिए। तो मैंने कहा आ जाओ सब्जी, क्योंकि थैला भारी हो रहा था, शिलोर में पैदल पैदल ही गए थे। तो फिर अभी ये सब्जी जोशी जी के साथ स्कूटी पे घर पहुँच चुकी है, और अभी इसको सेट करके लगा देते हैं फ्रिज में। डिनर किया जा रहा है अभी यहाँ पर। खाना सही बना जोशी जी? बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगता है ना, दाल चावल है ना भुजिया, ये तो हमारा डिलीशियस फूड हुआ हम लोगों का। पनीर वनीर से ना हमारे घर में ये सब कुछ ये पसंद है। मुझे पसंद ही नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद घर में हमारे। एक मिनट, मलाई चाप थोड़ा ठीक लगता है और वो ग्रेवी वाली चाप बस। बाकी एक टाइम में नॉनवेज था, नॉनवेज छोड़ के साल भर से डेढ़ साल हो गया, डेढ़ साल हो गया तकरीबन नॉनवेज छोड़े हुए, तो अब मन ही नहीं करता खाने का। भोजन कर लिया घर में सभी ने, अभी हाथों हाथ बर्तन साफ कर लेते हैं। राम राम सारे भाइयों ने, और अभी वाइफ गई हुई है नहाने अंदर, और हमने शायद जून में ही घर लिया था, तो कल परसों हमारी बात चल रही थी कि हम जब ये घर का बर्थडे था हमारा तो हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, कहीं बिजी थे यार, कहीं बाहर गए हुए थे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो उस समय क्या हो कि हम लोग केक वेक कट नहीं कर सके, तो इसलिए मैं केक लेके आया हूँ। अभी वो नहाने गए तो आके देता हूँ सरप्राइज, केक लेके आया हूँ। तो मैंने कोई नहीं, देर से मेरे घर तो अपना ही, जब मर्जी केक कट कर सकते हैं, तो केक लेके आया हूँ। चलो फिर अब काटेंगे, उनको सरप्राइज देते हैं पहले, दिखाते हैं आपको। बर्तनों की साफ सफाई करने के बाद, रसोई की साफ सफाई करने के बाद नहाकर भी मैं आ चुकी हूँ रूम में, पसीने से पूरे बाल भी भीग चुके हैं, गर्मी इतनी हो रही है, सब्जी मंडी में रश इतना था, मतलब थोड़ी देर की सुबह बारिश पड़ी, तीन चार घंटे पड़ी होगी। ना ना इतना नहीं पड़ा, मौसम तो इससे भी कम, हाँ बारिश तो 1 घंटा हुई, मौसम तो सुबह से ही हो रहा है 5 बजे से। तो जब मतलब कि हम अभी सब्जी मंडी भी गए
तो रास्ता पूरा जैसे 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 तालाब बना होता है साइड साइड से ऐसे होकर रस्तों में गए, और जब मंडी गए जहाँ पे मेन मंडी लगती है वहां मंडी नहीं लगी हुई थी, बाउंड्री बाउंड्री पे मंडी लगी थी, रेडिया रेडिया लगी, बीच का पूरा वो उसमें पानी पानी भर गया था। तो सिर्फ थोड़ी सी बारिश, मतलब 2-3 घंटे की बारिश में ही, वो भी इतनी कोई तेज बारिश नहीं थी, इतने में ये हाल हो गया। अभी सावन का महीना आने वाला है आगे, फिर तो पता नहीं भी कितने बुरे हाल होने वाले हैं। तो दिमाग बड़ा खराब हो जाता है, बारिश होती है अच्छा लगता है उस समय पे कि यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद के जो हालात होते हैं वो भुगतने थोड़े मुश्किल पड़ जाते हैं। और बारिश होती है बाहर होती है, इतने में लाइट के कट अलग लग जाते हैं, मोटर जो हमने गली वालों ने मिलकर लगा रखी है पानी खींचने वाली, वो पानी खींच नहीं पाती क्योंकि लाइट आएगी तो पानी खींचेगा बारिश की वजह से, तो थोड़ा ये पानी इकट्ठा हो जाता है गली में। मतलब अगर लाइट आती रहे ना फिर तो एक बूंद पानी नहीं रुके गली में ना, मोटर बड़ी वाली लगा रखी है। शशि जी आपका आज का दिन कैसा रहा? बस दिन ठीक रहा यार, बस गए पहले एक मीटिंग थी करके आए, फिर एक दोस्त के साथ गए थे कहीं कुछ काम से, तो बस फिर ऐसे ही मैं चलो ठीक है। फिर मेरे दिमाग में आया कि जून में अपना घर का बर्थडे भी था तो करा नहीं, वो तो निकल गया ना 21 जून को था, 3 साल पूरे हो चुके हैं हमें, केक काट देंगे इसका। तो मैं तुम्हें फोन करा, तुमने फोन नहीं उठाया, उसके बाद केक लाए हो क्या? हाँ देख अरे वाह वाह क्या बात है, खोलो दिखाओ कैसा लाए। देखो घर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जैसा भी है जो भी, अपना घर ही अपना सुकून होता है। कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो यही लगा रहता है घर वापस कब आएंगे, घर वापस कब आएंगे। इस बेड पे आकर ही नींद आती है चैन की, कितना मर्जी बाहर घूम लो तो अपना घर ही स्वर्ग होता है। वैसे यहाँ पे हमारे गली में मैंने पहले भी बताया कि कोई भी ऐसी सास बहू इकट्ठी नहीं है, सिर्फ एक कपल के लिए उनके बच्चों के लिए छोटा सा घर है, प्यारा सा घर है, कितना प्यारा है। जोशी जी केक की तो मैचिंग हो रही है हमारे साथ, हम दोनों भी रेड रेड, वो भी रेड ब्लैक, मेरे साथ तो बिल्कुल ही मैचिंग हो रही है। हैप्पी बर्थडे टू माय होम, बहुत प्यारा केक है। कुछ ऐसा सा केक मेरे बर्थडे पे भी लाए थे ना रेड वाला, नहीं वो तो रेड वेलवेट था, वेलवेट। अच्छा तो काफी सारे आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दीदी होम टूर दो होम टूर दो। तो स्पेस अभी थोड़ी घर में कम है क्योंकि सब लोग बड़े बड़े हैं, सबका सामान भी काफी है, कपड़े भी काफी सारे हैं, सबका ही अपना सामान है। तो अभी जो ऊपर का फ्लोर थोड़ा बन जाएगा ना उसके बाद नीचे का सामान थोड़ा सेट होगा, तो जरूर दूंगी होम टूर, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा होम टूर के लिए क्योंकि सामान बहुत कचर पचर हो रखा है, हम खुद ही अपना सामान रख के भूल जाते हैं कि कहाँ रखा था, हमारा घर ही भूल भुलैया बन जाता है हमारे लिए। तो घर वालों को बुलाते हैं। आ गए आप? अच्छा किसका बर्थडे बता आपको? किसका? घर का। घर का? किसने बताया? चाचू ने बताया? कितने साल हो गए हमको यहाँ पे बताया आपको? कितने साल हो गए? पांच। तीन साल हो गए हमें इस घर में रहते रहते, हो गए? और 2.5 साल तो इसको ही हो गए होंगे मुझे लगता है हमारे साथ रहते रहते। बोल तीन। वो इसने भी रेड पहना हुआ है, सबने रेड रेड पहना हुआ है, केक भी रेड है। अरे वाह, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये कौन सी कलर लेवल? ग्रे। दादी को नहीं लाया, अकेला आ गया तू? दादी ये अंगूर है? अंगूर नहीं है, वो चेरी है। कौन सी चेरी है? रुक जा, जब काटेंगे ना फिर खाएंगे, फिर पता लगेगा कौन सी चेरी। खाने वाली चेरी खाने। दादी कहाँ है? दादी को क्यों नहीं लाया, अकेला कैसे आ गया? क्या? दादी कहाँ है? दादी वो वाली को पता नहीं कब आएंगी। पता नहीं कब आएंगी, क्यों नहीं पता? जा दादी को लेके आ जा, के दादी जल्दी आओ, केक ठंडा हो गया। ये क्या? पहले दादी को लेके फिर बताऊंगी क्या। दादी आ जाओ। मच ला, मच दे ला, आ जा। एक ही लोगे बस ना, एक ही जलाएंगे बस। क्यों? मैं काटूंगा। अच्छा आप काटोगे? काटेगा, काटेगा, मैं काटेगा, काटेगा, सब काटेंगे, सब काटेंगे, सब रहते हैं ना इस घर में, सब काटेंगे। आप मेरा हाथ पकड़ोगे? आप मेरा हाथ पकड़ोगे? ये देखो प्रधानमंत्री, हाथ मत जलाना बाबू। चलो चलो आओ, मेरे सब रेड रेड हो गए। चलो मम्मी भी रेड। चलो सब रेड रेड, मारो सारे मिलके, रुक जा सब मारो। 1 2 3 Happy birthday to our house. Happy
ऊपर से निकलेगा ऊपर से। चल हाथ हटाओ ऐसा, चलो हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, चलो अब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा निकाल के हम सबको खिलाएंगे। मैं पहले हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, मेरे हाथ में हाथ लगाओ। नहीं वो लगाएगा। अच्छी अब मैं लगाऊंगा। आओ आओ चाचू को खिलाएंगे, चाचू को खिलाएंगे। अब ईशान ईशान खिलाएगा, ईशान खिला ले, हाथ पकड़ पकड़ ले। हाथ लगा, हाथ चढ़ा, हाथ रहा था, मजा आया। टेस्टी है, कितना टेस्टी है। ले बेटा यार मोगले पहले लागो दाढ़ी में। जोशी जी की दाढ़ी तो फेमस है। खा लो ले, पहले इसको हम खिलाऊंगी। ले दादी के खिला रही है, केक खाओ दादी के हाथ से पहले। नजर वो ऐसे लेके खा लो बेटा, कोई बात नहीं, दे रहा चाचू खा ले। अबे आधा तोड़। चलो एक कटेगा तो सब में बटेगा। ईशान को देखो, देख मैं चाकू देना क्या करेगा, चाकू से पहले काट के ऊपर बांटने बांटने वाला काम तो मेरे से। हे भगवान, इस सड़के के अंदर बिल्कुल सबर नहीं देखना, झूठा लगा दिया चाकू ही। एक मिनट दो तो कह रहा है और चाकू झूठा लगा दिया, ऐसे काम है इस लड़के के। चलो जी मैं इनमें से एक चम्मच लूंगी मैं बस। ओए इधर दिखा शक्ल, ईशान शक्ल इधर करना, देना खा का सिरा। ईशान मुंह इधर करना, कर रहा है वो। कैसी शक्ल बना ली भैया। ईशान कौन सा गाना लगवाना है? मोटा चार मोटा चार मोटा पैसा। भाई तेरा गुंडा सारे रात के 12:15 बज चुके हैं अभी। अभी तक मम्मा ईशान अंदर रूम में हम सब लोग एक साथ बैठे हुए थे तो पुरानी बातें याद कर रहे थे, घर कैसे लिया, कैसे कैसे इतनी मशक्कत के बाद ये घर लिया था हमने। तो पहले जहाँ रहते थे कंपनी की तरफ से रेंट पे ही था हमारा, जहाँ पे था जो लक्ष्मी नगर में था। उसके बाद यहाँ पे आना, लोन हमारा कोरोना के समय पे पास हुआ ना, कोविड के तो उस समय तो बड़े भैया भी मेरे जो भैया हैं वो बोल रहे थे कि आरती बड़ा मुश्किल है, सरकारियों को लोन नहीं मिल रहा है ऐसे टाइम पे, तुम्हें कहाँ से मिलेगा, तुम प्राइवेट हो, जो भी करते थे जोशी जी उस समय पे। तो बड़ी मुश्किल से बड़े स्ट्रगल के साथ लोन पास हुआ, अभी भी लोन की किस्तें जा रही हैं, लेकिन एक उम्मीद है आज नहीं कल अपना होगा और भोलेनाथ की कृपा रही तो। दोस्तों हमारा 30 साल का है लोन, लेकिन कोशिश करेंगे कि टाइम पे जल्दी निपट जाए, वो दिन भी जल्दी है जब हक से कहेंगे कि हमारा अपना घर है करके। फिलहाल तो जैसा चल रहा है, जो चल रहा है बढ़िया ही चल रहा है। तो जोशी जी कैसा फील कर रहे हैं आप कि 3 साल हो गए हमें अपने घर में? जब इस घर में कदम रखा तभी फील हमें अच्छा हो गया था, वही फील चल रहा है, वही फील चल रहा है। बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा, वो और अच्छा हो जाएगा। जब ऊपर का फ्लोर बन जाएगा, प्रॉपर सारा सामान सेट हो जाएगा, फिर वादा है मेरा आपके साथ जरूर होम टूर दूंगी। मेरा खुद का बड़ा दिल है लेकिन फिलहाल सामान इतना कचर पचर है ना, तो उस चक्कर में मैं दे नहीं पा रही हूँ। और आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी मैं, तो कमेंट आया था किसी का कि आपकी सासू माँ ईशान को पालती हैं तो क्या उसके पेरेंट्स से कुछ चार्ज करती हैं, पैसे लेती हैं घर वालों से उसके? तो पहले तो मुझे सोच देख के थोड़ी हैरानगी हुई, फिर मैंने कहा आजकल वैसे काम चल भी रहा है, काफ़ी लोग रखते भी हैं बच्चे ऐसे, लेकिन अगर रखते तो सिर्फ एक बच्चा नहीं रखते ना, फिर हम काफ़ी सारे बच्चे रखते हैं अगर ये बिजनेस ही हमें करना होता तो। ईशान के साथ एक लगाव है, जो व्लॉग देखकर अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए तो वो शायद वो समझ पाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ
दिल की बात और दिल वाले ही समझ पाएंगे, क्योंकि आजकल जब खुद के बच्चे भी होते हैं ना तो बच्चे पालना सिरदर्दी लगता है बहुत सारे लोगों को, कि बच्चे पालना कैसे करेंगे क्या करेंगे। बहुत सारी सगी दादियां भी हैं जो अपने पोता पोती को इतना प्यार नहीं करती जितना मम्मा ईशान को करती हैं। मैं कहती हूँ उसकी मम्मी भी इतनी केयर नहीं कर पाएंगी ईशान की जितनी मेरी सासू माँ करती हैं, तो वो भी इतने फ्री माइंड होकर बच्चे को किसी के पास ऐसे भेजना कोई आसान बात नहीं होती है। तो उसकी मम्मी का भी धन्य जिगरा है, और इधर हम लोग तो है ही है, हमें तो अपना बच्चा सही लगता है, ऐसा लगता नहीं कि बाहर का बच्चा है करके, और वैसे ही हम प्यार करते हैं हर चीज़ में बराबर। आप लोग खुद ही देखते हो ब्लॉग्स में आपके काफ़ी सारे, ऐसे नहीं है कि दुनिया सारी एक सी नहीं है, लेकिन एक कमेंट देख के उसके नीचे काफ़ी कमेंट्स लोग खुद ही रिप्लाई कर रहे थे कि आप ये कैसे सोच लेते हो कैसे बोल देते हो करके, लेकिन चीज़ें अजीब सी लगती हैं कई बार देख के ना टुटे कि ऐसे कैसे सोच लेते हैं करके। एक कमेंट तो इनकी दाढ़ी के लिए आया था कि भी दाढ़ी कटवा लो, दाढ़ी नहीं कटवा सकते तो पैसे हम दे देंगे लोग। कोई बात नहीं, दे दो वैसे कितने पैसे दोगे, कितने बड़े करोड़पति हो दे दो वैसे, भगवान करे बहुत ज्यादा करोड़पति बनो आप लोग। हाँ। पर मेरे को जब तक अपना लुक नहीं आएगा ठीक, एक बार एनिमल वाला ना जानवर बनना है पूरा। अच्छा, लोगों ने तो बना ही रखा, और बड़ा जानवर बनना फिर एक बार। अच्छा, उसके बाद करेंगे। क्या टारगेट क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो, कैसा लुक चाह रहे हो? जब आएगा दिख जाएगा लोगों को वो भी दोल वाला। हाँ, वैसा सर चाहिए एनिमल। अच्छा, वैसा लुक चाहिए जोशी जी को, वो बढ़ा रहे हैं अभी दाढ़ी वाली बढ़ा के, वैसा कट लेने वाले हैं दाढ़ी का है। इसलिए मैं ना सुनता हूँ किसी की, बस अपने जो है वो देखते रहो, बहरा और गूंगा दोनों हूँ मैं उसी की तरह। और क्यू एन ए के लिए आप लोग बोल रहे हो तो जल्दी लेकर आएंगे क्यू एन ए, देखते हैं अगर टाइम मिला तो कल ही बना देंगे वीडियो। है ना, आज का दिन बहुत ही प्यारा रहा, दिन की शुरुआत बहुत प्यारी थी, दोपहर में बाबू के साथ खेलते खेलते कब शाम हो गई पता नहीं लगा, अभी रात को जोशी जी ने सरप्राइज दे दिया एकदम से ही। अभी हम दो तीन दिन पहले ही इस बारे में बात कर रहे थे कि अभी तो मतलब 21 जून को हम लोग हमारा गृह प्रवेश हुआ था 21 जून को, तो कि अभी टाइम निकल गया। उस समय हम फिर महाकालेश्वर गए थे, वहां से थके आ रहे थे, मुझे तारीख का सच में बताऊं तो पता ही नहीं था, डेट मुझे याद है 21 जून पर ये नहीं पता आज क्या तारीख है, मुझे भी नहीं पता, यही नहीं पता कि तारीख चल के आ रही है, लेकिन चलो ये है कि भी जून का महीना चल ही रहा है तो जून के महीने में ही हमने केक कट कर दिया, ये अच्छी बात है। 29 तारीख ऐसे कुछ होगी, ये भी ऐसी कह रहे 28-29-30 तारीख होगी, लेकिन वार आज मंगल नहीं, बुधवार है आज, है ना, नहीं वीरवार है आज, मैंने येलो पहना, वीरवार है आज, ऐसा दिमाग और का बताओ। अब ये तो ना ऑफिस में जाओ लिखो ध्यान में रहता है, घर में बैठे बैठे कुछ नहीं पता, घर में ही चल रहे हैं तो ऐसे ही हो रहा है, नींद आ रही है जोशी जी को, नींद आने का टाइम भी हो ही रहा है अभी। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा आपको हमारा सेलिब्रेशन जरूर बताएगा कमेंट्स करके, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना कि ऊपर का फ्लोर जल्दी से तैयार हो, आपको जल्दी से होम टूर दे हम, और आगे आने वाले जीवन में खूब सारी तरक्की करें, और आप सबको भी अपने साथ साथ घुमाए जहां जहां घूमेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं तो करो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द, या ये भाई छोड़ दे, अबे छोड़ दे मेरे पति को।